हाय फ्रेंड्स, पेंटा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जो 250 साल पुराना है और लखनऊ में स्थित है, जहां पर लोग जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए चैनल के साथ। आज बात कर रहे हैं हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम के बारे में। यहां पर 2.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ वट वृक्ष किसी शानदार किले से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर रोड होते हुए एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां अद्भुत नजारा देखकर दंग रह जाएंगे। यहां पर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का गजब का मेल देखने को मिलता है। एक तरफ भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाले और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी अचंभे से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम के बारे में, जो 2.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और लगभग 250 साल पुराना है। ये वट वृक्ष जो कि 2.5 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, इस वृक्ष की परिक्रमा करने पर ऐसा एहसास होता है कि मानो किसी किले के स्तंभों को पार कर रहे हैं। 2.5 एकड़ की जमीन को घेरे हुए सिर्फ एक ही वृक्ष है जो कि इतना विशाल है जिसे पहली बार देखकर विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि ऐसा भी कोई पेड़ होता है। यहाँ पर जमीन को छूती हुई पवित्र वृक्ष की बरगद की लटे जो कि धरती में समाकर फिर से वृक्ष का रूप ले चुकी है। इस एक पेड़ की अनगिनत शाखाएं हैं जो चारों तरफ जाल की तरह फैली हुई हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये सभी शाखाएं मूल वृक्ष के लिए सुरक्षा करती हुई दिखती हैं। इस वृक्ष के चारों तरफ घिरी हुई शाखाओं के बीच एक मंदिर है। इस मंदिर में आपको हरिवंश बाबा की मूर्ति के साथ राम जानकी और माँ दुर्गा के दर्शन करने को मिलते हैं। साथ ही मंदिर की दाईं तरफ माँ सरस्वती का मंदिर है, जबकि बाईं तरफ भगवान शिव और हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। वहीं 11 कुंडी यज्ञशाला भी है, जहां पर मेला के समय यज्ञ होता है। इस जगह पर जाने से आपका मन एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। इस जगह में किसी तरीके का चुंबकीय आकर्षण है। यहाँ पर हर तरफ जाकर दर्शन करने का ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति ने इस जगह को आंचल में बिछा रखा हो। हरिवंश बाबा अक्षय वट पर पहुंचने के लिए आपको सीतापुर रोड से बाईपास चंद्रिका देवी माँ चंद्रिका देवी मंदिर मार्ग पे मुड़ जाइए, और जैसे ही माँ चंद्रिका देवी मंदिर मार्ग पे आप चलते रहेंगे तो कुछ दूरी पे चलते समय सैदापुर माल जाने वाली सड़क पर आपको चलना होगा। यहाँ से ग्राम पंचायत मंझी निकरोजपुर के पास बाईं तरफ एक लिंक मार्ग मिलेगा। इस लिंक मार्ग पे लगभग 1 किलोमीटर चलने पर बाबा अक्षय वट के आश्रम के साक्षात दर्शन होंगे। बाबा अक्षय वट आश्रम कई बागों के बीच में स्थित है, जहाँ पर लोग पहली बार जो जाते हैं वो भटक भी जाते हैं। अब इतिहास की बात करें तो सवाल उठता है कि आखिर इसे हरिवंश बाबा का नाम क्यों जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अक्षय वट करीब 250 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में पुजारी कोमलानंद बताते हैं कि पड़ोस के मंझी गांव में एक किशोर थे। बाल्यावस्था में सिर से माता पिता का साया उठ गया तो यहाँ तपस्या में लीन हो गए। तब से यहाँ पर ये तपस्या करते रहे। यहाँ पर वन्य जीवों की खोज में शिकारी आते रहते थे। तभी किसी ने एक दिन कोई शिकारी तीर चलाया जो धोखे से तपस्वी हरिवंश बाबा को लग गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से तप स्थली पर ही उनकी समाधि बना दी गई। फिर इस समाधि स्थल के नज़दीक से एक वट निकला और जिसे अक्षय वट का नाम दिया गया, और यह अब इतना विशाल हो गया है कि यहाँ पर जो है करीब 2.5 एकड़ जमीन पर फैल गया है। ऐसा बताते हैं कि माँ चंद्रिका देवी ने बाबा अक्षय हरिवंश बाबा को साक्षात दर्शन दिए थे और बताया था कि जो भक्त जो माँ चंद्रिका देवी दर्शन करने के लिए आते हैं उनको अक्षय वट के भी दर्शन करना जरूरी होता है। अगर आप भी नहीं गए हैं कभी तो आप भी जाइए और जाके वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखिए। यहाँ पर आपको ऊँट की भी सवारी कराई जाती है, जिसका चार्ज 50 रुपये होता है। आपको यहाँ ऊँट पर भी बैठने को मिल जाएगा। ध्यान रहे, पेड़ पर लिखना और वहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान करना बिल्कुल वर्जित है। तो कोशिश करिए आप जब वहाँ जाएँ तो पेड़ों पर ना लिखें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।